नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अनलॉक 7 की हुई घोषणा। कृषि मंत्री ने बिहार के किसी भी जिले में खाद की किल्लत नहीं होने की दी बात। बिहार के हर प्रखंड को मिलेगी आधुनिक एम्बुलेंस। बिहार में कमजोर पड़ा मॉनसून। आज एक दिन में आईपीएल के तहत भिड़ेंगी 4 टीमें। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अनलॉक 7 की हुई घोषणा। बिहार में जारी कोरोना माहौल के बीच अनलॉक 7 को लेकर सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत बीते दिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बुलाई बैठक के बाद सीएम नीतीश ने साफ किया है कि अनलॉक 7 में कोरोना महामारी संबंधी प्रतिबंधों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। आज स्थिति की समीक्षा कर 15 नवंबर 2021 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है। आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस और भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे। कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य कोविड जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण भी कराया जाएगा। पूर्व में जारी किए गए सभी निर्णय पहले की तरह ही जारी रहेंगे। अभी भी कोविड अनुकूल व्यवहार और सावधानी जरूरी है। 117 नए नगर निकायों में बहाल होंगे 992 कर्मी। नगर विकास एवं आवास विभाग सूबे में नवगठित 109 नगर पंचायत और 8 नगर परिषद सहित 117 नए नगर निकायों में जल्द ही बंपर बहाली करने वाले हैं, जिसको तहत कुल मिलाकर 952 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। नवगठित कई नगर निकाय में कार्यपालक पदाधिकारी के खाली पदों को देखते हुए नजदीकी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नवगठित 109 नगर पंचायत और 8 नगर परिषद सहित 117 नए नगर निकायों को फंक्शनल बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत ही इन निकायों में नए पद सृजन किए जाने के साथ ही सृजित पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके साथ ही इनमें पदों के सृजन और सृजित पदों के विरुद्ध जल्द नियुक्ति को लेकर संबंधित प्राधिकार को अधियाचना भेज दी जाएगी। शिक्षकों के अगस्त से नवंबर तक के वेतन की जारी हुई राशि। बीते दिन शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए राशि जारी करने का काम किया है, जिसके तहत विभाग ने राज्य के 66,104 पंचायती राज और नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 8,36,23,04,660 की राशि जारी कर दी है। यह राशि संबंध डिग्री कॉलेज को स्नातक शैक्षणिक सत्र 2009-12 और 2010-13 में छात्र छात्राओं के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान के रूप में सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसी राशि में से इन शिक्षकों के अगस्त से नवम्बर तक के वेतन के लिए 8,36,23,04,660 रुपए खर्च करने की स्वीकृति शिक्षा विभाग ने दे दी है। हायर एजुकेशन में राज्य के 39 संबंध डिग्री कॉलेज को सरकार 249 करोड़ रुपए भी देगी। केंद्र के सामने बिहार ने बिजली के लिए वन नेशन वन टैरिफ की मांग को दोहराया। ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल माध्यम बैठक में राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के समक्ष कई मुद्दे उठाए। इस बैठक का आयोजन देश में बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर किया गया था। बैठक में बिहार सरकार की तरफ से केंद्र से बिजली के लिए वन नेशन वन टैरिफ की फिर से मांग की गई। इसके साथ ही अन्य राज्यों से बिहार की भौगोलिक संरचना अलग रहने के कारण लाइन लॉस की अलग सीमा तय करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही आयोजित इस बैठक में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाने और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बारे में चर्चा हुई। इतना ही नहीं, बैठक में बिहार के तर्ज पर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को उपभोक्ताओं के यहाँ जल्द से जल्द प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए भी कहा गया है। पुलिस अफसरों को नियमित रूप से पेट्रोलिंग करने का जारी हुआ आदेश। बीते दिन 4 पुलिस भवनों का उद्घाटन और 57 पुलिस भवनों का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि अब तक कई पुलिस थानों के भवन नहीं बने हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि तय समय के अंदर सभी भवनों का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस के आला अधिकारियों को नियमित रूप से पेट्रोलिंग करते रहने का निर्देश दिया है। साथ ही अनुसंधान में तेजी लाने और स्पीडी ट्रायल कराने की भी बात कही है। ज्ञात हो सीएम नीतीश ने बीते दिन 237.88 करोड़ की लागत से 38 थाना भवन, सुपौल पुलिस लाइन, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा सहित कुल 94 नवनिर्मित पुलिस भवनों का उद्घाटन और 149.96 करोड़ की लागत से बनने वाले 57 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम में लापरवाही बरतने पर गृह विभाग के अधिकारियों की जमकर खबर भी ली। आज बिहारी पहुंचे स्पेशल में हम बात करेंगे लक्ष्मेश्वर सिंह के बारे में।
दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में आज ही के दिन साल 1858 में हुआ था। महाराजा सर लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा के महाराजा बिहार राज्य भारत में मिथिला क्षेत्र में दरभंगा के जमींदार और प्रमुख जमींदार थे। उनके परोपकारी कार्यों, प्रशासनिक क्षमताओं और उनकी संपत्ति राज दरभंगा के प्रबंधन की अत्यधिक सराहना की गई और उनकी संपत्ति का विकास भी हुआ। लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा के महाराजा महेश्वर सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी जान तब गई थी जब लक्ष्मेश्वर सिर्फ 2 वर्ष के थे। ब्रिटिश राज ने दरभंगा की संपत्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में रखा क्योंकि संपत्ति के उत्तराधिकारी नाबालिग थे। अटल पथ को लेकर पथ निर्माण और एफएसआई के बीच खत्म हुआ विवाद। लंबे समय से अटल पथ को लेकर पथ निर्माण और एफएसआई के बीच का विवाद अब खत्म हो गया है। सीएम नीतीश के बीच बचाव के बाद आखिरकार इस मुद्दे पर पूर्ण विराम लग गया, जिससे कि अब दीघा के पास अटल पथ के अधूरे कार्य को पूरा करने का रास्ता साफ होना तय माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मार्ग को एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर और दीघा सोनपुर पुल से जोड़ने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इसमें एफएसआई की जमीन बाधा बन गई थी। ऐसे में अटल पथ के इस हिस्से पर काम अधूरा पड़ा हुआ था, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार के दखल के बाद समस्या का हल निकल गया है। कृषि मंत्री ने बिहार के किसी भी जिले में खाद की किल्लत नहीं होने की कही बात। बिहार में किसान प्राकृतिक आपदा का सामना तो कर ही रहे हैं। जो किसान इस आपदा से बच गए हैं वो खाद की किल्लत का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद किसानों का गुस्सा भी अब फूटने लगा है। इन सब के बीच कृषि मंत्री ने अब अपना बयान जारी किया है और बिहार में खाद की किल्लत नहीं होने की बात कही है। इस बाबत बीते दिन उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि शुरुआती दौर में स्थिति कुछ ऐसी बनी थी, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से हमने यूरिया की पूरी व्यवस्था कर ली है और अब किसी जिले में खाद की किल्लत नहीं होगी। जो सही में किसान है उसे वाजिब दाम से विभाग यूरिया उपलब्ध करा रहा है। हमने सभी जिलों का डेटा मंगवाया है, अधिकारियों से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने आ रही शिकायतों का निपटारा होने की भी बात कही। बिहार में कमजोर पड़ा मॉनसून। बिहार में मॉनसून कमजोर दिखाई दे रहा है, यही कारण है कि सुबह की धूप भी अब जलाने लगी है। हालांकि आफत की बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की एक बूंद भी नसीब नहीं हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में 6 अक्टूबर से मॉनसून की विदाई शुरू हो जाती है। इस लिहाज से मॉनसून समय पर विदा होना तय माना जा रहा है। विशेष बात यह है कि बिहार में इस बार एकदम सही तारीख यानी कि 12 जून को मॉनसून ने दस्तक दे दी थी। IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बारिश न के बराबर होने की संभावना है। ऐसे में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है, रात का तापमान सामान्य रहेगा। हालांकि मौसम विज्ञान ने मॉनसून के निष्क्रिय होने की औपचारिक घोषणा फिलहाल नहीं की। इनको मिले बिहार विधानसभा के विशेषाधिकार समिति के सदस्य में हिस्सेदारी। बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के विशेषाधिकार समिति के सदस्य की घोषणा कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बिहार की पीरपैंती के विधायक ललन पासवान को इस पद के लिए मनोनीत किया है। ज्ञात हो इसके सदस्य में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद सहित कई मंत्री और नेता, विपक्ष तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। जिसके बाद बीते दिन पटना में आयोजित विशेषाधिकार समिति की समीक्षा बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें ललन पासवान ने भी हिस्सा लिया था। वहीं उनके मनोनयन पर प्रखंड भाजपा जदयू कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है और विधानसभा अध्यक्ष और उन्हें भी बधाई दी है। इलेक्ट्रिक बसों का घटा किराया। BSRTC ने इलेक्ट्रिक बसों के किराए में 10 रुपए की कमी कर दी है। आपको बता दें कि अब यह नई दरें शुक्रवार से लागू हो गई हैं। साथ ही शुक्रवार से भी यात्रियों को दैनिक, वीकेंड और मासिक पास भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि यह पास इलेक्ट्रिक बस के साथ ही CNG बसों के लिए भी मान्य होगा। ज्ञात हो बिहार सरकार ने दैनिक किराए के साथ ही अब मंथली पास सेवा की भी शुरुआत कर दी है। इस बस में महिलाओं को विशेष रियायत दी गई है। बिहार का शुभम बना UPSC टॉपर। बिहार का शुभम UPSC टॉपर बना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शुभम बिहार के कटिहार जिले का रहने वाला है। शुभम कटिहार के कुम्हरारी निवासी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर देवानंद सिंह और पूनम सिंह का पुत्र है। उसकी प्रारंभिक से लेकर 10वीं तक की शिक्षा विद्या बिहार रेजिडेंशियल स्कूल से हुई है। 12वीं की पढ़ाई चिन्मया विद्यालय बोकारो से हुई थी। आपको बता दें, IIT बॉम्बे से BTech में ग्रेजुएट शुभम कुमार ने UPSC परीक्षा में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। टॉपर बनने पर बिहार कटिहार निवासी शुभम कुमार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बधाई दी है, जिसके तहत विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इनकी सफलता ने एक बार फिर से बिहार का गौरव बढ़ाया है। पंचायत चुनाव के पहले चरण का नामांकन संपन्न। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण का समापन हो गया है। सबसे खास बात ये रही कि 10 जिलों के 12 प्रखंडों के लिए चुनाव का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने भी वोटिंग के बाद अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से
कहा गया है कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो बदलाव किए गए, जो ईवीएम का इस्तेमाल किया गया वो सफल रहा। ईवीएम के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव करवा लिए गए। हालांकि इस दौरान कुछ जिलों में सुरक्षा व्यवस्था में कोताही भी देखने को मिली, लेकिन किसी तरह बीते दिन कम शिकायतों के साथ पहली बार पंचायत चुनाव का आयोजन करवाया गया। इससे पहले पंचायत चुनाव में कई शिकायतें सामने आती थी। इसके साथ ही इस दौरान बिहार निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़े सभी प्रतिनिधियों के काम की भी सराहना की। बिहार के हर प्रखंड को मिलेगी आधुनिक एम्बुलेंस। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी, जल्द ही बिहार के हर प्रखंड को आधुनिक एम्बुलेंस की सुविधा मिलने वाली है, जिसके तहत ही बिहार के हर प्रखंड को निकट भविष्य में एक एक जीवन रक्षक एम्बुलेंस दी जाएगी, जो कि सभी प्रकार के संसाधनों से लैस होगी। इतना ही नहीं, इसकी आधुनिकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मरीज के घर से अस्पताल पहुंचने की अवधि में ये जीवन रक्षक यंत्र उसकी जान बचाने में मदद करेंगे। सरकारी जानकारों की माने तो कोरोना काल में एम्बुलेंस के उत्पन्न संकट को सरकार दोबारा से नहीं दोहराना चाहती है। यही कारण है कि सरकार ने सभी 534 प्रखंडों को एक एक जीवन रक्षक एम्बुलेंस देने की योजना पर सहमति दे दी है। इसको लेकर जल्द ही एम्बुलेंस की खरीदारी भी होने वाली है। कुल 1000 एम्बुलेंस की खरीदारी पर 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। नए मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायत पर मंत्री जी ने कही अहम बात। समूचे बिहार में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की योजना के साथ बिहार सरकार काम कर रही है। यही कारण है कि घर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम भी किया जा रहा है। इन सबके बीच नए मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायत लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर ही ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि प्रीपेड मीटर को लेकर किसी को कोई परेशानी है तो वो विभाग को आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के आधार पर विभाग के स्तर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग हर संभव कोशिश कर रहा है। 1050 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की होगी नियुक्ति। बिहार में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि बिहार में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 1050 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति जल्द ही की जाने वाली है। इसको लेकर 25 स्वास्थ्य संस्थानों से सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स के लिए 150 अभ्यर्थियों का नामांकन दिया गया है। सर्टिफिकेट कोर्स में सफलता प्राप्त अभ्यर्थी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर पदस्थापित होंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब 1050 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति हो रही है। इससे पहले भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 1083 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थापित किए जा चुके हैं। पटना समेत देश के 141 शहरों में होगी रसोई की हाइजीन ऑडिट। स्मार्ट सिटी मिशन एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा संयुक्त रूप से देश भर में स्मार्ट सिटी चैलेंज का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड समेत देश के कुल 141 शहरों ने भाग लिया। पटना सहित देश के 141 शहरों में जेल से लेकर अस्पताल की रसोई का ऑडिट होने वाला है। इस ऑडिट में 85% से कम रैंक पाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसको लेकर राजधानी पटना ने 8 स्मार्ट सिटीज चैलेंज के तहत खाद्य संरक्षण आयुक्त बिहार एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पटना के सभी जेलों में बनने वाले खाने का हाइजीन ऑडिट का काम शुरू करवा दिया है और अस्पतालों में भी रसोई की जांच जारी है। किसानों के भारत बंद का समर्थन करेगा राजद। देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। बिहार में इस मामले को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना नहीं होने की बात कही गई है। इसके बाद से बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 27 सितंबर को किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को महागठबंधन समर्थन करेगा। उन्होंने ये भी साफ कहा कि इसको लेकर बिहार में महागठबंधन के साथियों ने अपनी सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, इसे केंद्र सरकार का आखिरी निर्णय माना जाए। राजद ने फिर से दी नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ने की नसीहत। सीएम नीतीश भले ही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उनमें राजद की दिलचस्पी आम बात है। यही कारण है कि समय समय पर अलग अलग मुद्दों को उठाकर राजद सीएम नीतीश को पाला बदलने की नसीहत देती रही है। ऐसा ही कुछ बीते दिन एक बार फिर से देखने को मिला, जिसके तहत जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाकर पटना की मनेर विधानसभा के विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को सलाह दी है कि वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से अलग हो जाएं और खुद से जनगणना करवाएं। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार का रुख देश के साथ अन्याय है। केंद्र ने कोर्ट में गलत हलफनामा दिया। पप्पू यादव को नहीं मिली जमानत।
32 साल पुराने मामले के कारण 5 महीने से जेल में बंद पप्पू यादव की बीते दिन डीएमसीएच में कड़ी सुरक्षा के साथ मधेपुरा कोर्ट में पेशी करवाई गई, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद पप्पू यादव की रिहाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके तहत कोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत न देते हुए फिलहाल फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लिया है। हालांकि इस दौरान पप्पू यादव ने कोर्ट को बताया कि उनकी किडनी में स्टोन हो गया है, जिसका ऑपरेशन दिल्ली में कराना है, इसलिए इलाज के लिए दिल्ली जाने की उन्होंने अनुमति मांगी है। फिलहाल इस पर कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है यह अभी सामने नहीं आया है। वहीं बीते दिन हुई सुनवाई के दौरान डीएमसीएच से लेकर मधेपुरा आने तक रास्ते में उनके समर्थक भी उनके साथ देखे गए। आज अपने आखिरी चरण के बिहार भ्रमण पर निकलेंगे कुशवाहा। जदयू को बिहार में मजबूत स्थिति में पहुंचाने की स्थिति में लगे संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। इसके तहत ही आज उनके दौरे का आखिरी चरण की शुरुआत होने वाली है। ज्ञात हो उपेंद्र कुशवाहा का यह दौरा 23 अक्टूबर को खत्म होगा। इस दौरान वो 6 जिलों का भ्रमण करेंगे, जिसके तहत ही वो 7वें चरण में 25 सितंबर को नालंदा, 1 अक्टूबर को पटना, 3 अक्टूबर को अररिया, 4 अक्टूबर को किशनगंज, 22 अक्टूबर को लखीसराय और 23 अक्टूबर को मुंगेर में होने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान हर दिन सुबह 9:30 बजे उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस दौरान कोरोना, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे आमजनों को राहत पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। सीएम नीतीश की इस मांग का किया समर्थन। केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा जारी करते हुए जातीय जनगणना की मांग को ठुकरा दिया है, जिस पर अब बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है, जिसके बाद अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में इस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हम लोग इसके पक्षधर हैं और इस बात का समर्थन करते हैं। आज की तारीख में कई ऐसी योजनाएं हैं जो जातीयता के आधार पर बनाई जाती है, राशि आवंटित की जाती है, वो राशि सही अनुपात में आवंटित हो उसके लिए जरूरी है कि किस जाति की क्या आबादी है, उसके आंकड़े भी हम लोगों के पास होने चाहिए। हालांकि बातें हुई बातों में चिराग ने सरकार पर भी निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंख मूंदे कान बंद किए बैठी है, इस सरकार को बदलने की जरूरत है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। दलाई लामा को 2006 में भारतीय नागरिकता देने की मांग आज के दिन उठाई गई थी। भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने 2009 में लगभग 5000 करोड़ रुपए के हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ आज के दिन किया था। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म 1914 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन का जन्म 1920 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक फिरोज खान का जन्म 1939 में आज के दिन हुआ था। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुकमा बाई का निधन 1955 में आज ही के दिन हुआ था। बंगला के प्रमुख कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी जी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन का निधन 1990 में आज ही के दिन हुआ था। आज एक दिन में आईपीएल के तहत भिड़ेंगी 4 टीमें। आज शनिवार है और आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मेन इन ब्लू टकराएंगे। दोनों ही टीम के युवा कप्तान हैं और उन्हें नई नई जिम्मेदारी मिली है। मुकाबला है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल्स के बीच। दोनों ही टीम के हौसले बुलंद है क्योंकि दोनों ने अपना पिछला मुकाबला जीता है। दिल्ली की टीम फिलहाल पॉइंट टेबल में टॉप पर है, जबकि राजस्थान 5वें स्थान पर है, इसलिए राजस्थान के लिए मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं है। प्लेऑफ की दौड़ में अपने आप को आगे रखने के लिए उनको हर हाल में ये मैच जीतना होगा। आज का दूसरा मुकाबला हैदराबाद और पंजाब के बीच। दोनों ही टीम अपना पिछला मुकाबला हारी है, इसलिए इस मुकाबले में दोनों वापसी के इरादे से उतरेगी। पॉइंट टेबल की बात करें तो पंजाब 6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि हैदराबाद मात्र 2 अंकों के साथ सबसे आखिर में है। व्हाट्सएप पर इम्पोर्टेंट मैसेज को कर सकते हैं सेव। व्हाट्सएप के भारत में 40 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप पर इम्पोर्टेंट मैसेज हमें व्हाट्सएप पर इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिलते हैं और हमें लगता है कि इन मैसेजेस को सहेज कर रखना चाहिए। व्हाट्सएप में जल्द ही एक बेहद काम का फीचर आने वाला है जो कि आपकी जरूरत को पूरा करेगा। व्हाट्सएप के इस फीचर का नाम स्टार्ट मैसेज है। व्हाट्सएप का यह गजब का फीचर किसी भी मैसेज को बुकमार्क करके रखने में सहूलियत देता है। आप जरूरत पड़ने पर इस मैसेज को देख सकते हैं। सीएम नीतीश ने उप मुख्यमंत्री पर लगे आरोप पर मांगा स्पष्टीकरण। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर नल जल योजना के नाम पर रुपए गबन का मामला सामने आया है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। इन सब के बीच जहां एक तरफ तारकिशोर प्रसाद ने इन सभी आरोपों का खंडन किया, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश ने कथित आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अतुल अभिषेक, मनीष मोहरा, रामबाबू कुमार, कुलवंत सिंह, अखिलेश कुणाल, मंजीत पांडे, विक्रम कुमार, आतिक खान, अनन्या चौरसिया, अमरेश कुमार, अनवर करीम, अजीमा फिरदौस, नीतीश कुमार, रंजीत
अजीत मेहता। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना की मांग को ठुकराने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।